ये 30 लाख आज मेरी जिंदगी से बढ़कर है। मर जाऊंगी लेकिन ये पैसे नहीं छोड़ूंगी। चल मैं भी देखता हूँ कि पैसे कैसे लेती है। तो लकड़ी नीचे फेंक दे। अगर आज मुझे ये पैसे ना मिले ना तो मेरी जिंदगी की कोई वजह नहीं रह जाएगी। आज मैं ये पैसे लेके ही रहूंगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। जान दे दूंगी। बिल्लो लकड़ी फेंक, अपने आप को इंस्पेक्टर साहब के हवाले कर दे। देख मैं कहता हूँ लकड़ी नीचे रख और रुक जा वरना गोली मार दूंगा मैं। आज गोली तो क्या, भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता। आज मैं ये पैसे लेके ही रहूंगी, लेके ही रहूंगी। लगता है तू मेरे बारे में जानती नहीं है। जितनी बार लुटेरी दुल्हन बनी है उससे ज्यादा लोगों का एनकाउंटर कर चुका हूं मैं अब तक। तू औरत है इसलिए मेरे सामने जिंदा खड़ी है। देख इंस्पेक्टर राणा किसी को बार बार मौका नहीं देता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं सरेंडर कर दे। जब सर पे कफन बांध ही लिया तो मौत से क्या डर। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। लगता बिना खून खराबे की मानेगी नहीं तू। किसी की जिंदगी बचाने का वादा करके आई हो इंस्पेक्टर साहब। वादा तो मैंने भी किया है तेरे साथ हवालात में डिनर करने का। भगवान आज किसका वादा पूरा करता है, आपका या फिर मेरा? बिल्लो जितना कर लकड़ी फेंक। नहीं भैया आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई मेरा इंतजार, कोई मेरा इंतजार, कोई मेरा इंतजार, कोई मेरा। दीदी को दिल्ली ले जाने की तैयारी कीजिए, पैसे लेके मैं आती, पैसे लेके मैं आती। देखिए चूहे बिल्ली का खेल खेलना छोड़ दे, तेरे जैसे 3600 को देख चुका हूं मैं। आज के बाद ना तो किसी को लूट पाएगी तू और ना ही लुटेरी दुल्हन बन पाएगी। तेरी बाकी की सारी जिंदगी गुजरेगी कारागार में। मैं आखिरी बार कह रहा हूं सरेंडर कर दे।
भाग सुबह दिल्ली अरे बिल्लो चल अच्छा बिल्लो नहीं बिल्लो कहा था ना तुझसे कि ये पैसे मैं ही लेके जाऊंगी अरे ये पुलिस ने एम्बुलेंस के सामने गाड़ी क्यों खड़ी कर दी साहब इन लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाओ उतरो पुलिस वाले यहां कहां से आए अब हम क्या करेंगे अभिनव जी हम तो दीदी को छोड़ के भाग भी नहीं सकते और अगर पकड़े गए तो पुलिस हमारे साथ दीदी को भी जेल में डाल देगी ऐसा कुछ नहीं होगा सुमन को सबके बारे में पता चल गया तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जेल में तो जीते जी मर जाएगी मैं जल्दी कुछ करना होगा बिना लेकिन क्या क्या कर सकते हैं हम लोग पुलिस हमारे सामने खड़ी है आदि पट कैसा चल रहा है हाँ साहब सब ठीक चल रहा है अभिनव जी आपको दीदी को दिल्ली अकेले ले जाना पड़ेगा मतलब ये कि मैं एम्बुलेंस से कूद के भाग रही ताकि पुलिस मेरे पीछे दौड़े और आपको एम्बुलेंस ले जाने का मौका मिल जाए भाग लोगी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास दीदी को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा और पकड़ी गई तो क्या हो कम से कम दीदी की जान तो बच जाएगी मैं तुम्हें आग में कूदने नहीं दूँ जिद मत कीजिए पकड़ी गई तो क्या हुआ कुछ सालों की सजा होगी बस मैं हंसते हुए काटूंगी मुझे तो तुम बात समझ लीजिए सुमन की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा ये एम्बुलेंस इमरजेंसी का साइरन बजाते आ रही है इसे जाने दे बिना तलाशी की कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी यस सर वो चाहे एम्बुलेंस ही क्यों ना हो प्रेस इंस्पेक्टर को तुम जानती नहीं हो अब तक 60 एनकाउंटर कर चुका है तुमने जो इससे के साथ किया है ना इससे तो ये पहले से ही छिड़ा और इसे देख के लगता नहीं कि तुम्हें यहां पकड़ना है यहां तुम्हारा एनकाउंटर करने आया होगा एम्बुलेंस की भी तलाशी लेते आओ देखो बिल्लू तुम्हारी की जान हमें बचानी है लेकिन तुम्हारी जान की कीमत पर नहीं समझ क्यों नहीं रहे आपको दीदी की कसम आप मुझे अगर सुमन होश में होती तो क्या वो तुम्हें ये करने देती नहीं ना तो सुमन की इस कसम को मैं नहीं मानता बिल्लो मेरा मन कहता है तुम दिल्ली हर हाल में पहुंच जाएंगे
तक हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया है आगे भी हमारी किस्मत ही हमारा साथ दिया। विश्वास क्या सोचा तुम दोनों ने? राणा से बच के निकल जाओगे? एक बार राणा जिसके पीछे पड़ता है ना, उसके लिए यमलोक या जेल के अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होती। दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा क्या हश्र करने वाला हूं। भाई साहब, इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया मैंने किया। इन्हें छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है साहब, ये बेकसूर, इन्हें छोड़ दीजिए साहब। लुटेरन के साथ रहने वाला आदमी बेकसूर है, ये किस किताब में लिखा है? तुम दोनों ही मरोगे। नहीं साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका भी लूटा है, मैंने लूटा है, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। इनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, ये तो अपनी पत्नी का इलाज कराने दिल्ली लेके जा रहे। अगर थोड़ी भी देर हो गई ना साहब तो वो मर जाएगी साहब। ज्यादा ही गहरा रिश्ता है इसके साथ। बीवी इसकी मर रही है और दर्द तुम्हें हो रहा है। अगर आवाज ऊंची की तो शांत कर दूंगा। नहीं, नहीं साहब।